हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेव टमाटर की सब्जी। ये गुजरात की रेसिपी है और इस सब्जी को बनाना बहुत आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेव टमाटर की सब्जी बनाने की सामग्री है 1 कप सेव, 1 टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिया है, 3 चम्मच तेल, पानी, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक लहसुन हरी मिर्च को हमने कूटकर 1 चम्मच लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई या सरसों, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग, 1 चम्मच गुड़, गुड़ के जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब हम नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म करेंगे और 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम सरसों डालेंगे, जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, चला लेते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च को हमने कूटा है उसे डालेंगे, चला लेते हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे, कटा हुआ बारीक टमाटर डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि सेव में भी नमक होता है। और अब हम चला लेते हैं। अब हम डालेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, तीखी सब्जी बनाएंगे थोड़ी, और गुड़, गुड़ के जगह आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेते हैं। कवर लगाकर 5 मिनट तक पकाएंगे, टमाटर सॉफ्ट होने तक। 5 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी, चला लेते हैं। कवर करके 3 मिनट तक और पकाएंगे, फिर से हम चेक कर लेते हैं। और अब हम सेव डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, गैस को बंद करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सेव टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है और अब हम सब्जी को बाउल में निकालेंगे। सेव टमाटर की सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।